प्रश्न छः का पहला, चतुर्भुज एबीसीडी बनाएं जबकि AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 75 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री तथा कोण D बराबर 75 डिग्री हो। तो AB कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे, एक रेखा बिल्कुल सीधा खींच लेंगे इस तरह से। अब कह रहा है AB 3.5 सेंटीमीटर, तो हम प्रकाल में 3.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर। अब रेखा के बायां छोर पे रखेंगे और इसको एक बार काट लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा AB। क्या हो गया? ए बी कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब कोण ए 75 डिग्री कह रहा है, कोण ए कितना कह रहा है? 75 डिग्री, यानी ए पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ए पर 75 डिग्री का कोण बना देंगे। तो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री और 90 डिग्री बनाना होगा। तो एक बार काटेंगे तो 60 हो गया, और एक बार और काट दिए तो 120, और 60 और 120 के बीच में हो जाएगा 90, 60 और 120 के बीच में हो जाएगा 90, और 90 और 60 के बीच में हो जाएगा 75। ये हो गया 90। अब चिन्ह ले लेते हैं, 90 डिग्री कहाँ पे है? तो देखिए 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, 90 डिग्री का चिन्ह ले लिए। अब 90 और 60 के बीच में हो जाएगा 75, 90 और 60 के बीच में क्या हो जाएगा? 75। तो ये हो गया 75 डिग्री का कोण, ये हो गया 75 डिग्री का कोण। अब इसको हम मिला लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 75 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए बन चुका है 75 डिग्री। अब देखिए कोण सी दिया है, कोण डी दिया है, ठीक है, और BC दिया है। तो जब तक कोण बी मालूम नहीं होगा, BC कैसे खींचेंगे? BC 6.5 सेंटीमीटर कैसे पता करेंगे? तो कोण बी कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए कोण ए तो दिया है, कोण बी नहीं दिया है, कोण सी दिया है, कोण डी दिया है। ठीक है, तो सी डी तो यहाँ पे है नहीं बिंदु कि हम कोण सी और कोण डी बनाएं, और BC भी नहीं बन पाएगा क्योंकि B पता नहीं है कि किधर रेखा जाएगा इसका, यानी B पे कौन सा कोण बनेगा ये पता नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए तो हम नीचे लिख लेंगे, कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण B बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज में चतुर्भुज बनाना है यहाँ पे, तो चतुर्भुज का क्या होता है? चतुर्भुज का सभी कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, यानी चारों कोणों को अगर जोड़ दें तो 360 डिग्री होता है चतुर्भुज का। जैसे त्रिभुज में 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग, उसी तरह चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से किसको किसको घटा देंगे? तो कोण ए दिया हुआ है, देखिए कोण ए दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है और कोण डी दिया हुआ है। तो अगर इन तीनों को हम घटा दें तो क्या निकल जाएगा? कोण बी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए चतुर्भुज में चार कोण होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो कोण ए, कोण सी, कोण डी दिया हुआ है, कोण बी ज्ञात करना है। तो 360 डिग्री में से कोण ए और कोण सी, कोण डी को जोड़ करके घटा देंगे तो कोण बी ज्ञात हो जाएगा, यानी 360 डिग्री माइनस कोण ए कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, प्लस कोण सी कितना दिया हुआ है 120 डिग्री, प्लस कोण डी कितना दिया हुआ है 75 डिग्री। देखिए कोण डी भी 75 डिग्री है, तो 360 डिग्री माइनस, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 75 75 हो जाएगा 150, और 150 और 120 कितना होगा? तो 270 हो जाएगा।
यानी 270 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री, 120 डिग्री और 75 डिग्री को जोड़ने पे कितना आ गया, 270 डिग्री। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य में से शून्य गया शून्य, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 2 गया शून्य, यानी 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कोण बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम इस तरह से कोण बी ज्ञात कर लेंगे, कोण बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कोण बी बना देंगे 90 डिग्री, यानी बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री होता है, तो एक बार काटेंगे तो 60 हो गया, एक बार और काट दिए तो हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो 60 और 120 के बीच में 90 होता है, 60 और 120 के बीच में 90 होता है। तो ये देखिए बन गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम मिला देंगे इसको, तो 60 और 120 के बीच में 90 होता है, इस तरह मिला देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री। अब BC कितना दिया हुआ, 6.5 सेंटीमीटर। तो अब आसानी से हम BC 6.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो BC कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से नाप लेंगे, देखिए इस तरह से BC नाप लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो B पे रखेंगे प्रकाल को और काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया, यानी BC कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। BC कितना हो गया, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कोण C कह रहा है 120 डिग्री, कोण C कितना कह रहा है, 120 डिग्री। तो आप कोण C बना देंगे 120 डिग्री, यानी C पर 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो C पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री होगा, फिर एक बार और काट लेंगे 60 डिग्री पर से, तो हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको मिला लेंगे, तो ये हो गया देखिए 120 डिग्री। अब इसको मिला लेते हैं, तो इस तरह मिला लेंगे। तो देखिए जहाँ पे दोनों रेखा मिल गया है वहाँ पे डी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों मिल गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये बन गया चतुर्भुज ABCD, जिसमें कोण सी कितना है, 120 डिग्री है, कोण ए 75 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री और BC 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए कोण डी दिया हुआ था 75 डिग्री, तो कोण डी अपने आप हो गया है 75 डिग्री, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। देखिए जहाँ पे डी बिंदु मिल गया है वहाँ पे अपने आप 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का। तो कोण डी बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मिल गया वहाँ पे अपने आप क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया है। अपने आप के भी चांद से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रश्न 6 का पहला हल करेंगे। तो कोण बी ज्ञात कर लेंगे तभी ये बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि कोण बी बनाए हुए अगर नहीं बनाएंगे तो ये चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ था 6.5 सेंटीमीटर, कोण ए 75 डिग्री और कोण बी 90 डिग्री। कोण बी तो हम निकाल चुके हैं, कोण बी नहीं दिया हुआ था तो कोण बी निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों कोण दिया हुआ था और कोण बी नहीं दिया हुआ था, तो हम कोण बी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फिर कोण सी दिया हुआ था 120 डिग्री और कोण डी 75 डिग्री, तो कोण डी बनाने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, वह तो अपने आप हो जाएगा 75 डिग्री, जहाँ पे दोनों मिल जाएगा। देखिए कोण सी यानी सी पे 120 डिग्री बनाएंगे तो रेखा जो आगे जाएगा और ये 75 डिग्री वाला रेखा, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे डी हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी 75 डिग्री का कोण अपने आप बन जाएगा,
क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो इस तरह हम